श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 जून 2023 को यहाँ पर आ रही है सोमवार की अष्टमी। दोस्तों, सोमवार की अष्टमी महीनों बाद आती है और साल में सिर्फ 3 से 4 बार ही आती है, जो कि इस जून के महीने में यहाँ पर आप लोगों को 16 जून 2023 को सोमवार के दिन अष्टमी तिथि के दिन यहाँ पर सोमवार की अष्टमी आ रही है और यह गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि भी है, इसीलिए यह वाली सोमवार की अष्टमी बहुत ही ज़्यादा विशेष है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले कुछ नए और कुछ विशेष उपाय बताने वाले हैं, जिन उपायों को करके आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं, अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो हम आपको उपाय बताएंगे सोमवार की अष्टमी का, वो सबसे बड़ा उपाय बताएंगे और इस उपाय को अच्छे से समझाने की कोशिश भी करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है, इस उपाय को आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए सोमवार की अष्टमी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह कर सकते हैं। तो इस उपाय में आपको क्या क्या सामग्रियां लेना है वो आप लोग सुन लीजिए। इस उपाय में आपको लेना है 31 चावल के दाने, 31 हरे मूंग के दाने। देखिए, चावल के जो दाने आप लोग लेंगे वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, वो पूर्ण पूर्ण होने चाहिए, और जो 31 हरे मूंग के दाने आप लोग लेंगे वो दाल वाले नहीं होने चाहिए, वो पूर्ण पूर्ण ही होने चाहिए, जो गोल गोल होते हैं ना हरे मूंग के दाने, वो वाले। उसके बाद में दोस्तों 31 आपको बेलपत्र लेना है, और जो बेलपत्र आप लोग लेंगे वो भी ध्यान से देख लीजिएगा, कटी पिटी ना हो, अच्छी बिल्कुल शुद्ध वहाँ पर बेलपत्र हो। तो आपको तीनों ही चीज़ें, 31 बेलपत्र, 31 चावल के दाने और 31 हरे मूंग के दाने तैयार करके आपको रख लेने हैं और सोमवार की अष्टमी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह आपको भगवान शिव जी के मंदिर ये तीनों चीज़ें लेकर पहुंच जाना है, ठीक है। भगवान शिव जी के मंदिर आप जैसे ही पहुंचेंगे तो चौखट से ही यह उपाय शुरू हो जाएगा। भगवान शिव जी के मंदिर की जो चौखट होगी वहाँ पर सबसे पहले आप अपने 31 चावल के दाने निकाल लीजिए और वहाँ पर अपनी मनोकामना को करते हुए भगवान शिव जी की चौखट पर किसी भी साइड में आप वह 31 चावल के दाने अपनी मनोकामना को करते हुए समर्पित कर दीजिए, ठीक है। चावल समर्पित करने के बाद दोस्तों आप भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश कीजिए। प्रवेश करने के बाद आप आइए नंदी बाबा के पास में और अपने 31 हरे मूंग के दाने भी निकाल लीजिए। 31 हरे मूंग के दाने निकालने के बाद दोस्तों नंदी बाबा का एक पैर हमेशा उठा हुआ होता है, आप जहाँ पर भी देखेंगे वहाँ पर, है ना। तो वहाँ पर उस उठे हुए पैर के पास आपको भगवान शिव जी से, नंदी बाबा से प्रार्थना करके 31 हरे मूंग के दाने वहाँ पर समर्पित कर देने हैं, ठीक है। अब आपके पास बचेंगे 31 बेलपत्र, तो इनको लेकर आ जाना है आपको भगवान शिव जी के मंदिर में। अब इन 31 बेलपत्र पर आप चाहें तो बीच वाली बड़ी पत्ती पर चंदन भी लगा सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से आपने चावल एक साथ चढ़ाए हैं, हरे मूंग के दाने एक साथ चढ़ाए हैं, उसी प्रकार से आपको इन 31 बेलपत्र को भी एक साथ ही चढ़ाना है। तो इसीलिए इन 31 बेलपत्र को मतलब यहाँ पर एक साथ जमा लीजिए और इन्हें आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हुए समर्पित करना है, ठीक है। माता अशोक सुंदरी जी का स्थान कहाँ पर होता है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में जो स्थान होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर आप इन 31 बेलपत्र को आपको एक साथ करके समर्पित कर देना है और उसके बाद आपको 2 से 3 मिनट तक भगवान शिव जी के मंत्रों का जाप करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और उसके बाद आप अपनी मन की प्रार्थना, जिस मनोकामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं, वह मनोकामना भगवान शिव से बोल दीजिए। निश्चित ही कुछ ही समय के अंदर आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, क्योंकि सोमवार की अष्टमी बहुत ही विशेष दिन होता है, भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का दिन होता है और अगर आप उनके मिलन के दिन पर कोई उपाय करते हैं तो उसका फल भी आपको बहुत जल्दी मिलता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको सोमवार की अष्टमी के दिन करना है। इस उपाय को भी आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की ऐसी मनोकामना जिसके लिए आपने बहुत उपाय कर लिए हैं, व्रत कर लिए हैं, पर जब भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो उस स्थान पर आपको यह वाले उपाय करना चाहिए, ठीक है। इस उपाय में आपको क्या करना है, एक बेलपत्री लेना है, उसके साथ में दोस्तों आपको लेना है पीला चंदन, लाल चंदन और थोड़ा सा शहद लेकर आपको पहुंचना है सोमवार की अष्टमी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर में। आपको मंदिर पहुंचना है, मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, भगवान शिव जी के दर्शन कर लीजिए, आप सब कुछ कर लीजिए, उसके बाद में आप भगवान शिव जी के पास में आकर बैठिए इस उपाय को करने के लिए। उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप अपनी एक बेलपत्र निकाल लें, इस उपाय में मात्र एक बेलपत्र की ही आवश्यकता होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो आपको करना क्या है, अपनी वह एक बेलपत्र को निकाल लीजिए, उस एक बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको क्या करना है वो आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनिए। एक बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर सबसे पहले आपको लगाना है पीला चंदन, या तो पीले चंदन का आप एक टीका लगा लो, या तो पीले चंदन उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर पूरे में फेर दो, है ना। उस बीच वाली बड़ी पत्ती के बाद उसी बेलपत्र में एक हल्का सा जगह आती है बीच में, डंडी वाली, है ना। फिर उसके नीचे जो है दो साइड साइड की पत्तियाँ होती हैं, आपने देखा होगा एक बेलपत्री में, है ना। तो आपको करना क्या है, वो बीच की जगह आप लोग ध्यान में रखिएगा, उसके
बाद में जो दो साइड की पत्तियाँ होंगी उन दो साइड की पत्तियों पर आपको लगाना है लाल चंदन, या तो लाल चंदन का टीका लगा लेना या लाल चंदन पूरे में उन दोनों साइड की पत्तियों में फेर देना। ठीक है, फेर दिया आप लोगों ने, ये दो जगहों पर चंदन लगा दिया। अब देखिए, हमने जो आपको बीच की डंडी बताई थी, मतलब जो एक बीच वाली बड़ी पत्ती होती है एक बेलपत्र की और जो दो साइड की पत्तियाँ होती हैं, इन दोनों के बीच में एक हल्की सी डंडी की जगह जो है खाली रहती है उसी एक बेलपत्र में, आपने देखी होगी। ठीक है, तो उस स्थान पर आपको उस बेलपत्री को पकड़ना है ना, उसी स्थान पर आपको लगाना है थोड़ा सा शहद। कहाँ पर? बीच वाली बड़ी पत्ती जो होती है और नीचे वाली जो तो साइड की पत्तियाँ होती हैं, इन दोनों के बीच में एक हल्की सी डंडी की जगह रहती है, तो उस स्थान पर आपको लगाना है थोड़ा सा शहद। और थोड़ा सा शहद लगाकर इसी बेलपत्र को इसी स्थान पर पकड़ना है। पकड़ने के बाद इसको आपको क्या करना है कि माता अशोक सुंदरी जी का जो स्थान होता है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, तो वहाँ पर आपको इसे समर्पित करना है। जो अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है वो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। ठीक है, और वहाँ पर इस बेलपत्री को आपको कुछ इस प्रकार से समर्पित करना है कि जो बेलपत्री की डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की तरफ हो, जहाँ से जल बहता हुआ जाता है और नीचे गिरता है, उस तरफ करके आपको इस बेलपत्री को जो है समर्पित कर देना है माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर, है ना। अब आपने बेलपत्री को समर्पित कर दिया। बेलपत्री को समर्पित करने के बाद अब आपको अपना वह एक लोटा जल निकालना है जो आप उपाय के लिए लाए हुए हैं। वह एक लोटा जल निकालिए और इसे आपको चढ़ाना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से, ऐसा नहीं एकदम से चढ़ा दिया, एक धारा से एक लोटा जल आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर करते हुए समर्पित करते जाना है। और आप जैसे ही एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो उसमें ध्यान रखिएगा, जब आखिरी में थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा जल आपके लोटे में बच जाए तो उस जल को आपको बचा लेना है। कब बचाना है? जब आपके लोटे में आखिरी में थोड़ा सा जल बच रहा हो, जब आप एक धारा से जल चढ़ा रहे हो। ठीक है, तो पहले तो आपको भगवान शिवजी पर ही जल चढ़ाना है एक धारा से, आखिरी में थोड़ा सा जल बचा लेना है, उस थोड़े से बचे हुए जल को आपको चढ़ाना है उस स्थान पर जहां पर आपने बेलपत्री को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित किया है, उसी बेलपत्र पर माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर आपको इस मतलब थोड़े से जल को समर्पित कर देना है। समर्पित आप लोगों ने कर दिया। समर्पित करने के बाद दोस्तों क्या करना है कि इस बेलपत्र को आपको वापस से उठा लेना है। ठीक है, पहले आपको वह थोड़ा सा बचा हुआ जल इस बेलपत्र पर समर्पित करना है, फिर आपको भगवान से प्रार्थना करना है और इस बेलपत्र को वहां से उठा लेना है। उठाने के बाद क्या करना है, इस बेलपत्र को आपको किसी भी जलाशय में या किसी भी वृक्ष के नीचे जाकर आपको रख कर आना है, या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर आपको रख कर आना है। ठीक है, मतलब जिस तरीके से आप शिवजी पर समर्पित करते हैं उसी तरीके से आपको किसी भी जलाशय में या किसी भी वृक्ष के नीचे इस बेलपत्री को जाकर समर्पित करना है, वहां पर भगवान से प्रार्थना करना है, अपनी मनोकामना भगवान शिवजी से बोलना है। ठीक है, तो इस बेलपत्र को किसी भी जलाशय में या किसी वृक्ष के नीचे समर्पित करके आइए और वहां पर भी एक लोटा जल अलग से जाकर समर्पित करके आइएगा। जब आप यह बेलपत्र को वहां पर जलाशय में या बेलपत्र के वृक्ष नीचे या किसी वृक्ष नीचे समर्पित कर दें, उसके बाद एक लोटा जल आपको वहां पर भी चढ़ाना है, इस बात का ध्यान आप लोग रख लीजिएगा। उसके बाद वहीं पर आप भगवान शिव जी से भी प्रार्थना कर लीजिएगा कि भगवान शिव हमारी यह मनोकामना है, इसे आप बहुत जल्दी पूर्ण कर दीजिएगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा विशेष है, आप करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है यह उपाय बहुत ही साधारण है, अगर आप ज़्यादा कुछ ना कर पाएँ तो मात्र सोमवार की अष्टमी के दिन शाम के समय प्रदोष काल में अपने साथ में 5 बेलपत्री रखिएगा और 5 बेलपत्री रखकर आपको क्या करना है, भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचना है शाम के समय प्रदोष काल में। ठीक है, मतलब 6 से 7 बजे के बीच का जो समय होता है उस समय में भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचिएगा और पहुँचने के बाद आपको 5 बेलपत्र लेकर भगवान शिव जी के मंदिर भगवान शिव जी के पास में जाना है और 5 बेलपत्र एक साथ जमा कर भगवान शिव जी के नाम का जाप कर अपनी मनोकामना बोलकर आपको इन 5 बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। बेलपत्र तो आप रोज चढ़ाते हैं पर सोमवार की अष्टमी के दिन 5 बेलपत्र शाम के समय भगवान शिव जी पर चढ़ाने का एक अलग महत्व होता है, जिससे आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। ठीक है, चढ़ाकर जरूर देखिएगा। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों जो अगला उपाय है ये भी आपकी मनोकामना पूर्ति का है। इस उपाय में आपको करना क्या है, 7 बेलपत्र की इस उपाय में आपको आवश्यकता होगी। तो इस उपाय में आपको 7 बेलपत्री, एक लाल कपड़े का टुकड़ा और साथ ही में दोस्तों आपको जो है केसर को घिसकर जो आप चंदन बनाते हैं वो लेकर भगवान शिव जी के मंदिर आपको पहुंच जाना है। ठीक है, पहुंचने के बाद आपको करना क्या है कि जब आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचें तो उस स्थान पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। जब आपको अपनी मनपसंद की नौकरी यहाँ पर चाहिए होगी या सरकारी नौकरी चाहिए होगी या प्राइवेट नौकरी चाहिए होगी, उस स्थान पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, आप अपने साथ जो 7 बेलपत्री लेकर गए हैं इन 7ों बेलपत्री पर आपको केसर को घिसकर चंदन बनाकर कुछ कुछ भाग लगाना है। कैसे लगाना है वो आप लोग सुनिए। सबसे पहले इन 7ों बेलपत्री की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होगी इस पर आपको ओम लिखना है, केसर को घिसकर चंदन बनाकर। ठीक है, इसी चंदन से आपको ओम लिखना है और साइड साइड की
दो पत्तियां जो होंगी इन सातों बेलपत्र की, इस पर आपको एक तो माता जगदम्बा जी के नाम से एक बिंदी लगानी है केसर होकर चंदन बनाकर, और एक पर जो है गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम की आपको बिंदी लगानी है। ये सातों बेलपत्री पर आपको यही क्रम दोहरा देना है, मतलब सातों बेलपत्र पर आपको जो है ये क्रिया आपको कर देनी है। अब उसके बाद आपको करना क्या है कि इन सातों बेलपत्रों को आपको चढ़ाना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, है ना। शिवलिंग के ऊपर आप लोग चढ़ाकर क्या करेंगे कि इन सातों बेलपत्र को आपको कुछ समय चढ़े रहने देना है, और उस समय के बीच में आपको भगवान शिव जी के मंत्रों का जाप करना है। जाप करने के बाद में क्या करना है, कुछ समय बाद इन सातों बेलपत्र को आपको उठाना है और अपने साथ में लाए हुए उस लाल कपड़े में रख लेना है। लाल कपड़े में रखकर आपको उसे बांध लेना है। बांधने के बाद आपको करना क्या है, इस लाल कपड़े में सात बेलपत्र रखकर अपने घर पर ले आना है, और इस बेलपत्री को अपने घर में लाल कपड़े में बांधकर रख देना है। यह जो आशीर्वाद है ये भगवान जी का आशीर्वाद आपके लिए रहेगा, और इस आशीर्वाद को जब आप अपने घर में रखेंगे तो आपके घर में सभी चीज़ अच्छी होंगी, खुशहाली आएगी, आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। और इस लाल कपड़े को आप लोग अपने व्यापार वाली जगह, बिजनेस वाली जगह, दुकानदारी में भी रख सकते हैं, जिससे कि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, वो अच्छी तरीके से चलने लगेगा। और आपके घर में अगर कोई परीक्षा दे रहा हो, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा हो, कोई नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हो, तो इसे आप अपने घर में रखिएगा, उस बच्चे की नौकरी भी ज़रूर लग जाएगी, वो इंटरव्यू में पास ज़रूर हो जाएगा। उसके अंदर दोस्तों सोमवार की अष्टमी के दिन आखिरी में जो आप हम आपको उपाय बताएंगे वो विवाह के लिए बताएंगे। दोस्तों विवाह के लिए आपको करना क्या होगा, सोमवार की अष्टमी के दिन जिस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है उस बच्चे के हाथों से आपको हल्दी की सात बिंदियां माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर सोमवार की अष्टमी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह लगवानी है, और सात बिंदियां माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर लगवाने के बाद आपको उस बच्चे के दोनों हाथ के छापे वहाँ पर, मतलब माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर रखवा देने हैं, और रखवाने के बाद सीधा इन दोनों हाथों के छापों को उठाकर आपको किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है, और वहाँ पर जाकर उसी बच्चे के हाथों से इन्हीं पांच बार जो है उसकी हथेली से छापे लगवा देने हैं, ठीक है। तीन महीने के अंदर उसका विवाह पक्का हो ही जाएगा। उसके अंदर दोस्तों एक और उपाय है जो कि आपको विवाह के लिए करना है, जो लाल फूल होते हैं उस लाल फूल के ऊपर आपको चंदन लगाकर माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है उसी बच्चे को जिसका विवाह नहीं हो रहा है। तीन महीने के अंदर उसका विवाह पक्का हो ही जाएगा। तो ये सारे उपाय थे जो कि आपको सोमवार के अष्टमी के दिन करना है। इन उपाय करने में अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यही सारे उपाय आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर लिखित रूप में देख सकते हैं। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। भोलेनाथभक्ति.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आराम से आप इन उपायों को पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।